देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो सीधे आपको जोड़ती हैं हमसे, खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे। सब्सक्राइब करें न्यूज हेल्पलाइन को और दबाएं बेल आइकन। राजधानी दिल्ली के गोंडा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन चौधरी अजीत सिंह डेलीगेट दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर किया गया, जिसमें क्षेत्र के निगम पार्षद जुबैर अहमद, चौधरी अजीत सिंह व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में झंडा फहराकर किया गया। निगम पार्षद जुबैर ने बताया कि कांग्रेस ने इस देश के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है, जिसको आज भाजपा मिटाने का प्रयास करती रहती है। चौधरी अजीत सिंह ने बताया कि आने वाले निगम चुनाव में दिल्ली एमसीडी में कांग्रेस बहुमत लाएगी और दिल्ली की जनता को एमसीडी में सुशासन देगी। 37 साल हो गए कांग्रेस के स्थापना को, उसी का आज हम लोग जश्न मना रहे हैं। पूरा मुल्क कांग्रेस से जुड़ा था, जुड़ा हुआ है। लोगों की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा एक है। इस मुल्क को बनाने में सबसे बड़ा काम कांग्रेस का है। आज कुछ झूठे सत्ता में बैठ गए हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में किया क्या है। जो तुम बेच रहे हो ना, वो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया है, जिसको तुम बेचने का आज काम कर रहे हो। कांग्रेस एक विचारधारा है। इस मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक ना सुई बनती थी, ना कुछ होता था। सुई से लेकर जहाज तक, IIT तक, एम्स तक, सब कुछ बांध तक कांग्रेस ने बनाया है और कांग्रेस का ही है। कांग्रेस अकेली एक ऐसी पार्टी है इस मुल्क के अंदर जो हर जाति, हर धर्म, हर मजहब को साथ लेके चलती है। अच्छा जुबैर जी, जो 20 साल पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, कांग्रेस से जीते भी हैं, क्या उन्हें इस बार चांस दिया जाएगा आने वाले निगम में या फिर विधानसभा में? मैं नए को चांस दिया जाएगा? हर समाज को, हर वर्ग को लेकर चला जाएगा। जो लोग जो जीत सकते हैं, जो कार्यकर्ताओं की पसंद है, परिक्रमा से टिकट नहीं मिलेगा। आपको टिकट जब मिलेगा, जब पब्लिक आप में आपकी चाहत होगी और आप जीत सकते हो। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे चौक पे, मेरे कार्यालय पे 137वां दिवस मनाया हम लोगों ने, और मैं आभारी हूँ जुबैर भाई का, जिलाध्यक्ष का, जो यहाँ पे आकर सबको संबोधित किया और सब कुछ विस्तार से चौधरी रोहतास ने, चौधरी नथू ने, चौधरी जुबैर जी ने, जिलाध्यक्ष जी ने सब कुछ बतला दिया आपको विस्तार से, और परवेज भाई ने बता दिया, और जमशेद भाई ने बता दिया, और जो भी प्रवक्ता हैं उन्होंने सब कुछ बताया। चुनाव है जी सर, इस बारे में क्या कहेंगे? चुनाव में जो पार्टी का हुक्म होगा उसका मंजूर है, जो भी हमारे ऊपर के नेतागण जिसको चाहेंगे हम उसके साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। और आप अपने क्षेत्र में जुड़े हुए जमीनी मतलब हर चीज़ की हकीकत जानते हैं जी, आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आप चुनाव लड़े? अगर पार्टी का हुक्म होगा तो ज़रूर कोशिश करें। आज हम कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, और हम ही क्या पूरा हिंदुस्तान मना रहा है, और हम कसम ले कर चल रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता कि पार्टी जो भी आदेश करती रहेगी उसका पालन करते रहेंगे, और पूरे सारे सर्व समाज को हम अपने साथ जोड़ कर रखेंगे और जोड़ कर चलेंगे। कांग्रेस की परंपरा रही है। सर, आने वाले समय में निगम चुनाव भी आने वाले हैं, नज़दीक ही हैं, कांग्रेस की उसको लेके क्या तैयारी है? देखिए, कांग्रेस की तैयारी पूरी है। कांग्रेस का अपना एक स्टेटस है, अपना एक सिंबल है, उसी के नीचे काम करने वाले लोग हैं हम, और जो चाहेंगे, जो हमारे बड़े लीडर चाहेंगे, जिस भी तरीके से करेंगे वो हम उसका सर्वमान्य करेंगे। और जो भी हमारे पास यहाँ चुनाव लड़ने के लिए जो भी निगम पार्षद का नेता आएगा, उसके साथ कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता खुल के एक साथ लगा रहेगा। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति, जो गली गली जो ठेके खोले जा रहे हैं, इसके बारे में कांग्रेस क्या कहती है? देखिए, दरअसल क्या है, आबकारी नीति के तहत बात सीधी ये हो रही है कि पंजाब को जो नशा केंद्र बनाया गया था पहले, पंजाब को नशा मुक्त करने अरविंद केजरीवाल जी पहुँच गए और दिल्ली को नशे में ढकेलने जा रहे हैं। हर वार्ड के अंदर 3-3 ठेके इन्होंने खोले हैं, और हम लोगों ने इसका बहुत ही बड़ी जोर से इसका विरोध किया है। जुबैर अहमद जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत तरीके से खाद डाल के, कभी कुछ डाल के, कभी हम लोगों ने खड़े होकर, कभी विरोध किया। जो भी विरोध करने की कोशिश की हमने करी, और हम अब भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी दिल्ली को हम नशे की नगरी नहीं बनने देंगे। और ये जो केजरीवाल की नीति है, ये दो मुही चाल, पंजाब को नशा मुक्त करना और दिल्ली को नशा का केंद्र बनाना, इस चाल को जनता समझ चुकी है, पब्लिक समझ चुकी है, आगे उसका जवाब देगी। इसमें हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी बात रखेंगे, अपनी नीचे रखेंगे, अपने जो शेड्यूल हैं उसे रखेंगे, जो अपने काम है पुराने उन्हें रखेंगे, जो आगे करने वाले उन्हें रखेंगे। ये हमारा काम है।